हेलो गाइस, एक्सप्लोरर राइडर, वेलकम बैक टू द चैनल। सो एक्चुअली आज मेरा जो वीडियो बनाने का मतलब है रीज़न, वो है ये टाटा पंच का फॉग लाइट मैंने जो इंस्टॉल कराया। मेरा है एडवेंचर विथ रिदम पैक मॉडल, आप देख रहे हो। इसमें मैंने ये जो फॉग लाइट है ये डायरेक्ट शोरूम से ही लगाया था। कोई बहुत लोग एक्चुअली मतलब ये कमेंट करके बोल रहा था ये फॉग लाइट के ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो इसके लिए मैंने बनाया। देखिए अभी तो मैं ये इंस्टॉलेशन वीडियो तो मैं नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि गाड़ी मतलब डिलीवरी के टाइम पे ये फॉग लाइट मुझको इंस्टॉल करके मिला था, तो इंस्टॉलेशन वीडियो तो मैं नहीं बना सकता हूँ। लेकिन मैं एक ही बात आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप ये फॉग लाइट लगाना चाहते हो तो शोरूम से ही लगाना। शोरूम के बाहर कोई मतलब जो है मतलब आउटसाइड से मत लगाना, क्योंकि ये अगर फॉग लाइट लगाओगे तो ये तो कपलर टू कपलर ही फिटिंग है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर मतलब आपका गाड़ी में कोई भी अगर दिक्कत आ जाएगा तो गाड़ी में आपको वारंटी क्लेम करना पड़ेगा। तो पहले से अगर मतलब ये आप शोरूम से लगाओगे तो शोरूम वाले हेल्प करेगा उसमें, क्योंकि एक बात है अगर आप फॉग लाइट लगाओगे ना तो इस पे जो है मेरा देखिए यहाँ पर एक होल करके ये स्विच जो है फॉग लाइट का दिया, तो अगर आप आउटसाइड से भी लगाओगे तो ऐसे स्विच जो आपको मिलेगा तो यहाँ पर एक होल हो जाएगा, और नहीं तो आपको यहाँ पर एक स्विच देगा तो यहाँ पर भी होल हो जाएगा। बात यही है कि मगर आपको गाड़ी में अगर कोई भी दिक्कत आए तो उस टाइम पे तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मतलब कंपनी से अगर कोई आदमी आके इंस्पेक्शन करेगा आपका गाड़ी का तो ये देखेगा यहाँ पर एक होल है। अगर उस टाइम पे अगर ये फॉग लाइट आप खुल के भी क्लेम कराओ ना तो तब भी दिक्कत आएगा। तो बेटर यही है कि आपको मतलब आप एक मिनट, तो बेटर यही है कि आप ये शोरूम से लगाओ। आपका शोरूम अगर ये ऑफर नहीं करेगा तो मेरा तो यही सजेशन है फॉग लाइट मत लगाओ, क्योंकि एक मिनट, टाटा पंच का जो मतलब हेडलाइट होता है ये थोड़ा सा ऊँची मतलब ऊँचा करके है ना। देखिए गाड़ी का जो हाइट है, हेडलाइट का जो हाइट है मतलब एकदम ठीक ठाक है, प्रॉपर एसयूवी के तरह है हेडलाइट। तो ये दिस हेडलाइट इज एक्चुअली मोर देन इनफ, तो फॉग लाइट का कोई ज़रूरत ही नहीं है मुझको, तो फॉग लाइट का उतना ज़रूरत भी नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा कोई मतलब मैंने तो गाड़ी लेने के टाइम पे बहुत वीडियो देखा था, लेकिन कोई भी मुझको वैसे मतलब बोला नहीं कि ये फॉग लाइट लेना चाहिए कि नहीं। तो मैं तो यही बोलूँगा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, फॉग लाइट का उतना ज़रूरत नहीं है। ये जो हेडलाइट है मतलब, क्योंकि ये हेडलाइट थोड़ा सा ऊँचा है ना, तो इसके लिए मतलब ये हेडलाइट का जो लाइट का थ्रो है बहुत ही अच्छा है, फॉग लाइट का उतना ज़रूरत नहीं पड़ता। यही बात है, अगर आपको लुक्स के मुताबिक आपको मतलब लुक्स चाहिए तो फॉग लाइट लगाना है तो आप लगा सकते हो, नहीं तो उतना फॉग लाइट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। यही बात है, अगर मतलब ये फॉग लाइट आप लगा रहे हो तो मतलब शोरूम से ही लगाना, मेरा यही सजेशन है, क्योंकि अगर गाड़ी में कोई भी दिक्कत आएगा तो शोरूम वाले वो फिक्स करने का कोशिश तो ज़रूर करेगा। यही बात है, दिस इज़ ऑल अबाउट द टाटा पंच फॉग लाइट वाला वीडियो। थैंक यू।